हाय गाइस, यार इस साल इतनी गर्मी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि नरक का डेमो हमें यही धरती पर मिल रहा है इस बार। यार भगवान सच में बहुत नाराज है, पेड़ पौधे लगा दो यार, नहीं तो मर जाना है एक दिन सबको। सो गाइस, सच में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिए और बाहर जाने से जितना हो सके उतना बचिए, खासकर दोपहर के टाइम में। और अगर आपको निकलना ही है, अगर बहुत जरूरी काम है, तो आप अपने साथ एक पानी की बॉटल तो जरूर कैरी करें और स्कार्फ से अपना मुंह बांध के जरूर जाएं। और ये बातें सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, ये बातें बॉयज के लिए भी। बॉयज भी अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने आप को कवर करके जाइए, पानी पीते रहिए टाइम टाइम पे, ताकि आपको लू नहीं लगे, बिकॉज इस साल लू के केसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं और सीधा ऊपर ही प्रस्थान हो रहे लोग। तो खैर, जो भी हो, आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है ये तो आप लोगों ने पता कर लिया है, शायद मैंने वेलकम नहीं किया। सो हे गाइस, आई एम करिश्मा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग सच में अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज्यादा है इस साल। सो गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ गुड वाइब्स के D10 ग्लो टोनर के बारे में, जिसे मैंने कि पर्पल से बाय किया था और 1 मंथ तक मैंने इसको 2 टाइम यूज करा है। सो आज मैं आप लोग के साथ में अपना होनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वर्थ ऑफ मनी है या फिर नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी पैकेजिंग की। तो ये प्लास्टिक के बॉटल में मिलता है गुड वाइब्स के ऑलमोस्ट जितने भी टोनर आते हैं। इससे पहले मैंने राइस वाटर वाला भी यूज़ कर लिया था, तो सेम पैकिंग थी उसकी भी, कोई फर्क नहीं था। और बस ये कवर अलग रहता है और इस तरह से ढक्कन आपको मिल जाता है यहाँ से, है ना, और यहाँ स्प्रे करने का यहीं से। तो पैकिंग वाइज ये काफ़ी अच्छा है, आप इस डिब्बे का रीयूज भी कर सकते हो। इसकी जो MRP है गाइस, वो है 249, और लेकिन मुझे ये पर्पल से मिला था 199 में, यानी कि 200 के आसपास मुझे मिल गया था। ऑफर में आपको 40-50 रुपए का अच्छा डिस्काउंट पड़ ही जाता है। इसके बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो 120 ml है। 120 ml तो ठीक लगा मुझे, बिकॉज अगर आप 2 टाइम भी यूज करते हो तो 1 महीना आराम से चल जाता है। मुझे इसको 1 महीना यूज करते करते होने आया है, इसके बाद भी इसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट है जो कि 7 डेज मेरा और चल जाएगा, तो ठीक है, क्वांटिटी वाइज मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप सिंगल इसको प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो आपका 1 से 1.5 महीना ये आराम से चल जाएगा, ठीक है। और सबसे जरूरी कि इसके अंदर सैफ्रॉन और हल्दी है। सैफ्रॉन और हल्दी हमारे स्किन को कितना ज्यादा ग्लोई, ब्राइट और ब्लीच करने का काम करते हैं, तो आप सभी जानते हैं। इसलिए शादियों में भी हल्दी का यूज होता है, हल्दी की रस्म होती है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है गाइस, वो मैं बताऊं, इस जो है ना गुड वाइब्स का एक D10 नाइट क्रीम आती है, उसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे कर रखा है, तो सेम उसकी फ्रेग्रेंस है इसके अंदर, थोड़ा सा भी अलग नहीं है, एकदम जुड़वा भाई बहन जैसे है, एकदम सेम फ्रेग्रेंस है। मतलब कि सेम, आप वो क्रीम लगा लो एक हाथ पे, दूसरे हाथ पे टोनर को अप्लाई करो, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि आपने टोनर कहाँ पे अप्लाई करा है या फिर आपने क्रीम कहाँ पे अप्लाई करी, बिकॉज सेम फ्रेग्रेंस है इसकी। बस वो जो क्रीम है जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, उसको आपको नाइट में यूज़ करना होता है, और इसको आप डे नाइट हमेशा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मेकअप से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लेना है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके बाद आप जब भी नहा के आ रहे हैं या फिर जब भी आप फेस वॉश करते हैं, उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करके फिर अपने फेस पे ऐसे अप्लाई करना। और एक बात ध्यान रखिएगा इसकी, या आपकी आंखों में ना जाए या फिर आपके ये होंठ में ना जाए, इसलिए मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। इस तरह से आप अप्लाई करें तो ये क्या होगा कि आपके आंखों में जाने से बच जाएगा और होंठों पे भी नहीं जाएगा, बिकॉज होंठों पे लग जाता है तो उससे फिर थोड़ा मुंह का टेस्ट कड़वा कड़वा हो जाता है ना, और आंखों पे जाता है तो बहुत जलन करता है। मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं था, तो गलती से मेरे आंखों में चला गया, काफ़ी ज़्यादा जलन हुई, तो उसके बाद से मैंने ध्यान रखा। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि आपके आई कॉन्टैक्ट में नहीं जाए आप जब इसको यूज़ करें, तो आप इसको अपने फेस पे नेक पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आप जब इसको यूज करते हैं तो आपके फेस पे एक अलग ही ग्लो नजर आएगा, आप लोग देख सकते हैं कि एकदम अलग ही ग्लो आ रहा है। आपका जो ये हाइलाइट्स एरिया होता है स्किन का, जैसे कि चिक्स हो गए, आपकी नोज हो गई, फॉरहेड्स हो गए, ये सारा एरिया काफी ज्यादा ग्लोई होता है, क्योंकि गाइस इस टोनर को यूज करने के बाद में हमारी जो स्किन है वो काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग हो जाती है, ये अंदर तक जाके आपकी स्किन को ग्लोई बनाने का काम करता है ना। और देखो गाइस, ऐसा है ना कि ये आपकी स्किन को गोरा नहीं बनाएगा, ये D10 है, यानी कि अगर आपको धूप से टैनिंग हुई है तो ये उसको ज़रूर हल्का करेगा, आपकी टैनिंग को ज़रूर कम करेगा, वो भी एक साथ नहीं कर पाएगा। आपको रेगुलर 1 से 2 महीना इसको तो यूज़ करना है, तब जाके आप इसके विजिबल रिजल्ट देख पाएंगे। देखिए, और एक बात कि गाइस, सारी जो फेयर स्किन होती है वो ग्लोई स्किन हो ये ज़रूरी नहीं है, और जितनी भी ग्लोई स्किन हो वो फेयर स्किन हो ये ज़रूरी नहीं है ना, आप डिफरेंट समझ रहे हैं। ये टोनर सिर्फ आपकी स्किन को ग्लोई बनाने में हेल्प करता है। अगर आपका जो फेस का रंग है वो थोड़ा डार्क है, तो ऐसा नहीं कि आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्किन है वो फेयर हो जाएगी, गोरी हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना इसने क्लेम करा है। ये एक D10 है, यानी कि आपकी टैनिंग को कम करता है, और ये सच में टैनिंग को कम करता है। मैं इसको 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने थोड़े बहुत रिजल्ट देखे है इसको यूज करते करते,
बिकॉज आपको परहेज तो करनी है, आपको कम से कम धूप में बाहर निकलना है, सनस्क्रीन वगैरह का यूज़ करना है, तो बाकी अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर आपके स्किन में ओपन पोर्स की समस्या है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की समस्या है, तो भी अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये उसको भी कम कर देता है, आपके जो पोर्स होते हैं उसको ये कवर करने का काम करता है। और एक बात गाइज, अगर आपके स्किन में एक्ने पिंपल्स हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा रेड रैशेज वाले जो होते हैं ना स्किन, वैसा कुछ हो रखा है आपकी स्किन में, तो आप एक बार इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर ले, बिकॉज हो सकता है इसमें मेंशन भी कर रखा है कि अगर इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि हो सकता है आपकी स्किन को सूट ना करे, तो आपको इरिटेशन, खुजली ये सब हो सकती है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे ये अच्छे से सूट हो गया। इससे पहले जो मैंने राइस वाला टोनर ट्राई किया था तो वो मुझे इतना समझ में नहीं आया, उसके मुझे कोई ऐसे रिजल्ट नहीं मिले देखने के लिए, बट इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो वैसे टोनर किसको यूज़ करना चाहिए, तो देखिए वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप है, मैन और वुमेन इसको सभी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप 16 प्लस है तो ज़रूर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो किसको यूज़ करना चाहिए, तो वैसे तो सबको ही कर सकते हैं, एक तो जिनकी स्किन ड्राई है वो लोग तो डेफिनेटली आप लोग टोनर यूज़ करिए, या तो ये वाला कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आपको सूट हो वो करिए, लेकिन टोनर तो आप ज़रूर यूज़ करिए, ठीक है। और इसके बाद जिनकी रफ स्किन है, मतलब जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सूखी सी है, बहुत ही ज़्यादा पपड़ियाँ निकलती है, ऐसा होता है ना, तो स्किन बाहर निकलती, वो लोग ज़रूर यूज़ करें। उससे क्या होगा, आपकी स्किन को अंदर से काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगा, तो आपकी स्किन बाहर से अच्छे से ग्लो करेगी। और वैसे तो सारे स्किन टाइप के यूज़ कर सकते हैं, आपकी अगर ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। इसको आपको कब कब यूज़ करना है, तो आप लोग इसको अपने डे के स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। आप जब भी फेस वॉश करके आए अपना, तो आप लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं अच्छे से। इसके बाद मैं तो इसको एयर ड्राई होने देती हूँ कूलर पंखे के सामने, नहीं तो आप थोड़ा अपने फिंगर से इसको डैप डैप करके भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। और इससे कि अभी गर्मी है, और गर्मी में हमें बहुत ही ज़्यादा यू मॉइस्चराइजर हो गया, कुछ अप्लाई करने का नहीं होता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पसीना इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको भी ये सारी दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी नहा के आए, फेस वॉश करके आए, तो आप सिर्फ इस टोनर को अप्लाई कर दी, दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ भी प्रोडक्ट्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन तो ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन आप घर में ही हैं, है ना, तो आप इसको सिर्फ अप्लाई करके आप छोड़ सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन देता है, बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग आपकी स्किन को रखता है, अच्छा ग्लो देता है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। मैं कई बार सिर्फ इसी को अपने फेस पे लगाती हूँ, इसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा फ्रेश लगता है। खैर, मुझे काफ़ी पसंद आया है, मैं इसको रीपर्चेज ज़रूर करूँगी। देन अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर कर लूँगी, आप लोग ले सकते हैं वहाँ से। और गाइस, इसके अलावा अगर आप किसी और टोनर का भी रिव्यू चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको ट्राई करके आप लोगों के साथ में रिव्यू जरूर शेयर कर दूँगी। गाइस, आई होप आपको मेरा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो आप सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं मिलूँगी आपको इस तरह से नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।